वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग और कैसे गए तुम्हारे सीयूटी के एग्जाम्स? ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। आज की वीडियो के अंदर हम जो तुम्हारा ही सीयूटी का इंग्लिश का पेपर था ना, उसे सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बस मैं इसी पर्पज से बना रही हूँ ताकि तुम एक रफ स्कोर का आइडिया हो जाए, क्योंकि देखो जो मैं आंसर्स बताऊंगी वो मेरी अंडरस्टैंडिंग पे होंगे। मैंने ये जो पेपर अभी मैं सॉल्व करूंगी ना, वो वेरी फर्स्ट टाइम मैं इस पेपर को देखूंगी, इसको रीड करूंगी। मैंने इससे पहले नहीं देखा है, तो मेरी जो प्राइमा फेसी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो इसके बाद एनटीए जो है वो प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेगा, फिर फाइनल आंसर की रिलीज करेगा, तो उसमें बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं आंसर्स बताऊं वो एग्जैक्टली तुम होता है ना वर्ब एटम तुम मैच कर पाओगे आंसर की से, पर डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा तो रिलेट कर ही पाओगे और रफ स्कोर तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा कितना आने वाला है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है ना वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और मैंने हमेशा कहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले क्वेश्चंस करा करो, तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट कॉफी अरेबिका? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ कॉफी इज द मोस्ट सोल्ड इन द वर्ल्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ कॉफी हैज मोर देन टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोजोम? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ कॉफी डेवलप्ड ओनली इन द लास्ट 50,000 ईयर्स? Which of the following types of variability is not very high for coffee arabica? Choose the statement that is factually correct, incorrect from the options given below. Rearrange the following phrases. अच्छा देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है फिर वो दूसरे चीजों से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो अब सॉल्व करते हैं। कॉफी जेनेटिक मेकअप इज नो ट्रिवियल कंसर्न। 10 मिलियन टन्स ऑफ द क्रॉप वर ग्रोन एंड सोल्ड इन 2022-23। The coffee that we drink comes from two species, coffee canephora, which is also known as robusta, and coffee arabica, known as arabica. So, robusta or arabica ki baat ho rahi hai. In many cases, beans from the two species are blended to make a brew, but the beans of single species are also roasted and sold. Overall, arabica beans represent around 56% of the coffee sold. Theek hai? Most genetic variation in living organisms come from hybridization with other species. However, this is relatively rare event for coffee arabica because it has more than two copies of each chromosome, a phenomenon called as polyploidy. Coffee canephora has two copies of each chromosome, but coffee arabica contains multiple copies. This makes it much more difficult for arabica to interbreed with other species. मैं मेरे को जो भी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, मैं उसे हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने मुझे और कुछ चीज मेरे दिमाग में नहीं है, बट मुझे जो लग रहा है ना कि जो हाँ कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो सकती है वो मैं अपने हिसाब से हाईलाइट कर रही हूँ। एज अ रिजल्ट कॉफी अरेबिकास मेन सोर्स ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन इज म्यूटेशन व्हिच अकर्स एट अ स्टेडी रेट ओवर टाइम। ठीक है, तो हाउएवर द स्पीशीज इज ऑल्सो रिलेटिवली यंग, हैविंग फॉर्म एज अ हाइब्रिड ऑफ रोबस्टा एंड कॉफी यूजेनॉइड्स another coffee species that is not widely cultivated within the past 50,000 years. I feel this is important. From that single plant which has basically no variation, you create the whole species and then the variation is only the novel mutations that have occurred since that event. Despite this, there is substantial variation in the physical characteristics of the Arabica coffee plant, including different flavor profiles in the beans and variations in disease resistance, says emeritus geneticist Juan Medrano at the UC Davis Coffee Center at University of California, Davis. We're always talking about low variability at the DNA level, but there's variability at the structural level, chromosomal level, at the level of deletions and insertions, Medrano says. उसमें से पूछा है कि which of the following statement is true about coffee arabica? Hybridization is the main source of its genetic variation. Hybridization, देखो इसकी बात यहाँ पर कही कही गई है कि hybridization from other species, however, this is relatively rare event. रेयर इवेंट बोला है फॉर कॉफी अरेबिका, तो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। इट हैज ओनली टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो इट हैज मोर देन टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, तो ये भी गलत। इट डिस्प्लेज द फिनोमिनन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, राइट, दिस इज राइट, फिनोमिनन कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इट इज इजीली इंटरप्रेट विद अदर स्पीशीज, यहाँ पे देखो ये लिखा है दिस मेक्स इट मच मोर डिफिकल्ट फॉर अरेबिका टू इंटरप्रेट विद अदर स्पीशीज, दिस विल नॉट बी करेक्ट, ऑप्शन थ्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ कॉफी इज द मोस्ट सोल्ड इन द वर्ल्ड? तो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ था फर्स्ट पैराग्राफ में, ओवरऑल अरेबिका बीन्स रिप्रेजेंट अराउंड 56% ऑफ ऑल कॉफी सोल्ड, तो अरेबिका बीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉफी अरेबिका।
आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ कॉफी हैज मोर देन टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम. ठीक है, तो इसके अंदर सेम ही मेरे ख्याल से अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 तुम करेक्ट आंसर कर पाए तो ये वाला भी उसी से डिराइव कर सकते हो, क्योंकि जो पॉलीप्लॉइडी का जो फिनोमिनन की बात है वो ही इधर लिखा हुआ भी है कि उसका मतलब ये होता है कि इट हैज मोर देन टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम. तो इसका आंसर हो जाएगा अराबिका. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ कॉफी डेवलप ओनली इन द लास्ट 50,000 ईयर्स. इसका भी आंसर तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो. यस, हियर इट इज अनदर कॉफी स्पीशीज दैट इज नॉट वाइडली कल्टिवेटेड विद इन द पास्ट 50,000 ईयर. देखो पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी. हाउएवर द स्पीशीज इज ऑल्सो रिलेटिवली यंग. देखो स्पीशीज जिसकी बात हो रही है वो कॉफी अरेबिका है, ठीक है. हैविंग फॉर्मड एज अ हाइब्रिड ऑफ रोबस्टा एंड कॉफी यूजेनॉइड्स अनदर कॉफी स्पीशीज दैट इज नॉट वाइडली कल्टिवेटेड विद इन द पास्ट 50,000 ईयर्स. तो देखो ये जो यहाँ से जो यहाँ तक का स्टेटमेंट है, मतलब थोड़ा सा मैं इसे अलग तरीके से हाईलाइट कर देती हूँ. यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है वो स्पीशी के बारे में बात कर रहा है. देखो यहाँ पर जो प्रिडिक्टेबल या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं तो कॉफी अरेबिका, रोबस्टा, और एक हो सकता है ये कॉफी यूजेनॉइड जिसको पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया है पूरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर. रोबस्टा और कॉफी अरेबिका को इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. तो ये जो लाइन है ना, ये तो इन्होंने हाइफन लगा करके पूरा लिखा हुआ है. तो ये इंट्रोडक्टरी लाइन है. जब आप किसी भी नए चीज के बारे में बात करते हो तब उसके बारे में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हो ना, ये वैसी वाली लाइन है. तो ये जो चीज कही गई है कॉफी यूजेनॉइड्स के लिए ही कही गई है. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज नॉट वेरी हाई फॉर कॉफी अरेबिका. इनमें से कौन सी टाइप की जो वेरिएबिलिटी है वो हाई नहीं है कॉफी अरेबिका में. वेरिएबिलिटी एट द स्ट्रक्चरल लेवल, क्रोमोसोमल लेवल, डीएनए लेवल, लेवल ऑफ डिलीशंस एंड इंसर्शंस. को ये लाइन जो है ये लिखा हुआ है, यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लो वेरिएबिलिटी एट द डीएनए लेवल, और बाकी जो सारी टाइप के जिस लेवल पे वेरिएबिलिटी वो ज्यादा है. तो डीएनए लेवल जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, वेरिएबिलिटी एट द डीएनए लेवल. चूज अ स्टेटमेंट दैट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. इट इज पॉसिबल टू रोस्ट द बीन्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज ऑफ कॉफी. ठीक है, टू स्पीशीज ऑफ कॉफी कैन बी ब्लेंडेड टू मेक अ ब्रू. ड्यू टू इट्स जेनेटिक मेकअप नोवल म्यूटेशन डू नॉट अकर इन द स्पीशीज कॉफी अरेबिका. ये तो हाथों हाथ हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि लिखा हुआ था कि फ्रॉम दैट सिंगल प्लांट विच हैज बेसिकली नो वेरिएशन यू कैन क्रिएट द यू क्रिएट द होल स्पीशीज एंड देन द वेरिएशन इज ओनली द नोवल म्यूटेशन दैट हैव अकर्ड सिंस दैट इवेंट. ड्यू टू इट्स जेनेटिक मेकअप नोवल म्यूटेशन. आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बट देखो आगे देखते हैं. वेरिएशन इन डिजीज रेजिस्टेंस कैन बी सेंड इन कैन बी सीन इन अरेबिका कॉफी प्लांट. ठीक है, तो पहले पहले काम करते हैं, पहला जो स्टेटमेंट है उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं. इट इज पॉसिबल टू रोज द बीन्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज ऑफ कॉफी. तो ये कहाँ पर दे रखा है, और ब्रू वाली जो लाइन है वो भी हम चेक कर लेते हैं. आई थिंक ये स्टार्टिंग में ही दे रखा होगा. द कॉफी दैट वी ड्रिंक इन मेनी केसेस, यस, इन मेनी केसेस बीन्स फ्रॉम द टू स्पीशीज एंड ब्लेंडेड टू मेक अ ब्रू. तो ये जो लाइन है बट द बीन्स ऑफ सिंगल स्पीशीज आर ऑल्सो रोस्टेड एंड सोल्ड. तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं वो तो करेक्ट है. इट इज पॉसिबल टू रोस्ट द बीन्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज ऑफ कॉफी. टू स्पीशीज ऑफ कॉफी कैन बी ब्लेंडेड टू मेक अ ब्रू. वेरिएशन इन डिजीज रेजिस्टेंस कैन बी सीन द अरेबिका कॉफी प्लांट. ये स्टेटमेंट भी मेरे ख्याल से ये देखो, ये रहा. इंक्लूडिंग डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स इन द बीन्स एंड वेरिएशन इन डिजीज रेजिस्टेंस. इसका क्या मतलब निकल रहा है इस लाइन का, कि डिस्पाइट दिस देयर सब्सटेंशियल वेरिएशन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरेबिका कॉफी प्लांट. ठीक है, इंक्लूडिंग डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स इन द बीन्स एंड वेरिएशंस इन डिजीज रेजिस्टेंस. तो ये मतलब कुछ तो बात कही गई है वेरिएशंस इन डिजीज रेजिस्टेंस, और इसका मतलब सिंपली यही है कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. क्योंकि देखो वेरिएशंस इन डिजीज रेजिस्टेंस की जो बात है वो अरेबिका कॉफी प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, तो ऑप्शन 4 भी करेक्ट होगा. तो ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट होना चाहिए. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ठीक है, ऑल लैंग्वेजेस क्रिएटेड बाय ह्यूमन कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज कम्युनिटीज आर. ठीक है, ओके, सो ए बी सी डी, अच्छा चारों ऑप्शन दे दिए हैं. ठीक
ठीक है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन तो नहीं होगा, वर्ब से चालू नहीं हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस क्रिएटेड बाय ह्यूमन कलेक्टिव, आई थिंक जो डी है ना, डी के बाद डी आना चाहिए। तो मुझे समझ में आ रहा है कि कम्युनिटीज आर कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज, ऑल लैंग्वेजेस क्रिएटेड बाय ह्यूमन, क्रिएटेड बाय ह्यूमन नहीं, ऑल लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस पहले तो आएगा ही, या तो राइट, नहीं, वेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सबसे पहले ऑल लैंग्वेजेस आएगा, फिर डी आएगा, और इसके बाद जो है बी। ये तो मतलब कहीं ना कहीं सही हो सकता है, तो एक बार ये चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन, ऑल लैंग्वेजेस क्रिएटेड बाय ह्यूमन, कम्युनिटीज आर अ कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज, राइट, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, ऑल लैंग्वेजेस हो गया, ऑल लैंग्वेजेस क्रिएटेड बाय ह्यूमन कम्युनिटीज, ह्यूमन कम्युनिटीज आर आर कल्चरल हेरिटेज। देखो, सबसे पहले हमने नाउन को प्लेस करा, नाउन के बाद जो है वो वर्ब को प्लेस करा, और इसी से हमारा जो आंसर वो बन चुका है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द प्रिंसिपल एड्रेस्ड अस इन द असेंबली एंड डैश द र्यूमर्स ऑफ एन अर्ली समर ब्रेक। तो र्यूमर्स को खत्म कर रहा है कहीं ना कहीं प्रिंसिपल, डिफेंडेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रिब्यूक क्वॉश क्लियर, ठीक है, तो रिब्यूक भी नहीं होगा, क्योंकि दिस इज रिब्यूक इज यूज टू स्कोल समबडी, टू क्रिटिसाइज समबडी, तो रिब्यूक भी नहीं होगा, डांट नहीं रहे हैं प्रिंसिपल सर, ठीक है, तो क्वॉश हो सकता है, क्लियर हो सकता है। देखो, क्वॉश मुझे लगता है बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप क्वॉश का मतलब कैंसिल कर देना, किसी चीज को इनवैलिड घोषित कर देना, वॉइड बता देना। तो मुझे लगता है कि क्लियर जो है वो इनफॉर्मल सा वर्ड है, और आई डोंट थिंक यहाँ पर इतना फिट बैठ रहा है। तो आई थिंक ऑप्शन 2 शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑल्दो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया होता, मुझे डाउट है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन लिस्ट 2। शी वाज वेरी डैश विद हिम फॉर हिज ऑफेंसिव रिमार्क्स ऑन वुमेन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, देखते हैं, चलो आगे। आई हैव प्लेंटी ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स टू डैश टू बुक लवर्स। देखो, जो बी का है वो तो वन होने वाला है, बी का वन एक ही ऑप्शन में है। चेंज द पीपल इजली डैश टू टेम्पटेशन एंड रुइन देयर रेप्यूटेशन। यस, गिवन गिवन मतलब सरेंडर कर देना, ये हमारे टाइम में भी आया था, सेम गिव अवे और गिवन, तो वो सेम फ्रेजल वर्ब्स है जो हमारे टाइम में भी यूज हुए थे। सी का 4 हो जाएगा। राहुल इज ट्राइंग टू डैश ऑन हिज स्मोकिंग। राहुल इज ट्राइंग टू कट डाउन, ऑफ कोर्स कट डाउन का मतलब रिड्यूस, तो डी का जो है वो 2 हो जाएगा। ऑल्दो मुझे देखो कट अप का इतना अच्छे से क्लियर नहीं था मीनिंग, बट बाकी सारे मुझे पता नहीं, इसलिए आई कुड डू दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कंप्लीट द सेंटेंसेस वापस वही टाइप का है। आई थॉट द रेस्टोरेंट वुड बी एक्सपेंसिव बट इट वॉज डैश अफोर्डेबल। इट वॉज रीजनेबली अफोर्डेबल, आई थिंक हो सकता है रीजनेबली। इट वॉज सीरियस एक्सीडेंट बट द कार वॉज डैश डैमेज्ड। बट द कार, देखो इट वॉज सीरियस एक्सीडेंट, बट ऑपोजिट फीलिंग जो है वो डिस्प्ले कर रहा है सेंटेंस। तो सीरियस एक्सीडेंट था तो भी जो है वो कार इतनी डैमेज नहीं हुई, तो बी का 4 होना चाहिए। तो ए का 2, बी का 4 इस ऑप्शन के अंदर है। फिर आते हैं, द मीटिंग वॉज अ डिजास्टर एज इट वॉज वेरी डैश ऑर्गेनाइज, इट वॉज वेरी बैडली ऑर्गेनाइज। सी का 1, मीरा इज गिफ्टेड, शी हैज एबिलिटी टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज क्विकली। बी का 3, ऑप्शन 1। ठीक, आई डिडंट नो राहुल वॉज इन द हॉस्पिटल, इफ आई डैश आई वुड डैश हिम। इफ आई न्यू, इफ आई हैड नोन, इफ हैव नोन आई वुड हैव विजिट, या इसके अंदर यही आने वाला है, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव विजिटेड हिम। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे मिलने जरूर जाता। ठीक है, तो देखो डिंट नो, ये सब सारे पास्ट टेंस जो है वो ही आ रहे हैं, तो इसके अंदर मुझे लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, तो ऑप्शन 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द ऑप्शन क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। द मूवी स्टार्स बायोग्राफी इज अ ग्लॉसी साइकोफेंटिक पोर्ट्रेयल। कावर्डली, डोमिनियरिंग, फ्लैटरिंग, इंसोलेंट। देखो, साइको फैंसी अगर तुमने वर्ड सुना होगा ना, इसका मुझे मतलब मुझे पता है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा बटरिंग वगैरह करते हो ना, वो चीज होती है साइको फैंसी। तो जो अब क्लोजेस्ट है तो कावर्डली नहीं होगा, डोमिनियरिंग
फ्लैटरिंग इंसुलेंट। देखो मुझे फ्लैटरिंग ही करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टली मैं जो सोच रही हूँ उसका मुझे वर्ड मिल गया, तो ऑप्शन थ्री जो है वो फ्लैटरिंग। भले ही मुझे बाकियों के इतने अच्छे से नहीं पता हूँ, मतलब तो भी अगर मुझे इस वर्ड का भी पता तो भी मैं कर सकती हूँ। वैसे कावर्डली तो नहीं होगा, इंसुलेंट मतलब रूड होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्लैटरिंग। ठीक है चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द मिनिस्टर अनलीस्ड अ कॉम्प्लीमेंट अगेंस्ट द न्यूज़पेपर फॉर इट्स बायस एडिटोरियल ऑन इलिटरेसी अमंग वुमेन इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। और कॉम्प्लीमेंट का एंटोनिम फाइंड आउट करना है। देखो अब कॉम्प्लीमेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो इसका जो एंटोनिम है वो नेगेटिव होना चाहिए। और अगर मैं चारों में से देखूँ तो एक ही नेगेटिव है, वो डिनाउंसिएशन। तो डिनाउंसिएशन मार्क कर सकते हो इस बेसिस पे। बट अगर मैं सेंटेंस का मतलब जानना चाहूँ तो कॉम्प्लीमेंट इज नॉट यूज इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, क्योंकि मिनिस्टर ऑब्वियसली अपसेट होगा, क्योंकि अगर कोई बायस एडिटोरियल अगर पब्लिश हुआ है तो आई कांट से, क्योंकि इसके अंदर डिनाउंसिएशन भी ले सकते हैं। तो आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आई थिंक प्रॉब्ली क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है, कुछ तो इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे अटेम्प्ट करना ही है तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन करा होता, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर रीडाउटेबल फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। देखो रीडाउटेबल जो है, अगर आपको मतलब पता है तो ही आप कर सकते हो। रीडाउटेबल इज नॉट फ्लिमसी, इट्स नॉट रिलेटेड टू डाउट। ठीक है, डाउट से कंफ्यूज मत होना कि डाउट से तुम सोचो कि कंफ्यूजन वगैरह, वो सब चीजें मत करना। अगर तुम्हें मतलब पता है तो ही तुम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। मुझे इसका मतलब पता है तो इट्स सिमिलर टू फॉर्मिडेबल। ठीक है, चूज दी करेक्ट एंटोनिम फॉर सलन फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो। एंटोनिम सलन, मोरोस, रेटिसेंट, टिमिड, जिनाइल। सलन इज मोरोस, ठीक है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो एंटोनिम जो है वो जिनाइल होगा, इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, इस सारी चीजें बहुत नेगेटिव सेंस में चली जाती है। मोरोस समथिंग विच इज वेरी डल और उस तरीके से, तो जिनाइल इज अ वेरी यू नो जेनरस वे, एक जिनाइल इज जेनरस काइंड तरीके का वर्ड है, तो इस वुड बी जिनाइल। ठीक, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आर इनबॉर्न बट आर रिस्पॉन्स टू बेसिक टेस्ट परसेप्शन ऑफ स्मेल्स द मेन। ओके, आर रिस्पॉन्स टू बेसिक टेस्ट आर इनबॉर्न बट आर परसेप्शन ऑफ स्मेल्स द मेन कॉन्स्टेंट फ्लेवर अलोन। अच्छा, इसका आंसर जो होगा वो सी से चालू होगा। आर रिस्पॉन्स टू बेसिक टेस्ट आर इनबॉर्न, ठीक है, बट आर परसेप्शंस ऑफ स्मेल्स द मेन कॉन्स्टेंट्स ऑफ फ्लेवर अननोन। आई थिंक ये होना चाहिए CADV, दिस इज ऑप्शन थ्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको मैच करते हैं। थियोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस और रिलीजियस लीडर। थियोक्रेसी देखो, जब भी तुम जो है वो आंसर कर सकते हो जब इसका मतलब पता है। थियोक्रेसी जो है, थियोक्रेट्स वगैरह मुझे पता है, तो उसका ए का तो थ्री ही होने वाला है, तो दो ऑप्शंस में ए का थ्री। मेगालोमेनिया इज अ काइंड ऑफ आई थिंक अ मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ वंस पावर इंपॉर्टेंस और गॉडलीनेस। आई थिंक बी का फोर हो सकता है, बी का फोर, दोनों ऑप्शंस में बी का फोर है। सी देखते हैं। आई थिंक मुझे इस वर्ड का मतलब पता है, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन का मतलब होता है कि वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्टिक वर्क फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। तो मुझे ए बी और डी का मतलब पता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ विच डी को मैं 2 मार्क करूंगी। तो डी को अगर मैं 2 मार्क करती हूँ तो ऑप्शन वन शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर तुम्हें नहीं आता है ना तो तुम्हें छोड़ सकते हो। वैसे थियोक्रेसी तुम इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि ट्रेसी जो होता है वो डेमोक्रेसी से तुम रिलेट करके, कि ट्रेसी जो है वो गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। तो ए को तुम 3 मार्क ही कर ही सकते हो। फिर बी का तो 4 है ही, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं मतलब मेगालोमेनिया का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, बट तुम्हें ये पता है कि मेनिया किस चीज से रिलेटेड है, जैसे क्लेप्टोमेनिया होता है, ये सारी चीज होती है। इट्स काइंड ऑफ यू नो अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इशू, तो उस चीज से तुम कनेक्ट करके बी को 4 मार्क कर सकते थे। फिर जो एंटीक्वेरियन है, ये तो तुम्हें मतलब पता ही होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये वर्ड यूज होता है विथ इन रिलेशन टू द हिस्टोरिक वर्क्स और इन सारी चीजों से लेकर के। तो मुझे एंटीक्वेरियन का मतलब ये पता था कि भाई ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो बी का मैंने इसलिए 2 मार्क कर दिया। तो इस तरीके से मैंने ये जो चीजें करी हैं। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। अ स्मॉल डैश बिटवीन टू चिल्ड्रन एंडेड अप एज अ ग्रुप फाइट। ऑल्टरकेशन, मैच, कॉन्टेस्ट। इसका ऑल्टरकेशन इज लाइक यू नो काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, छोटी सी आर्ग्यूमेंट, क्वारल, इस तरीके का वर्ड है।
Rearrange the following phrases in the right sequence to form a meaningful sentence. She worked on the case for 7 hours but was hardly able to decide who the murderer was because of the absence of any motivation. Any motivation clue होना चाहिए था, चलो ठीक है ठीक है. तो जो डी से स्टार्ट करेंगे हम. She worked on the case for 7 hours but was hardly able to decide who the murderer was. Option 2 correct ho jayega. The candidate assured the interviewers that the dip in her grades during the second semester was an dash since she had always been a top scorer in the first semester. An anomaly, an allay, an adage, an abatement. Abatement dekho bilkul bhi nahi aayega. Abatement is like एक बहुत डिफरेंट वर्ड है जो यहाँ पे नहीं बैठेगा. अडेज इज लाइक अ सेइंग अ प्रोवोक. तो अडेज भी नहीं है, अले भी नहीं होगा. नॉर्मली इज लाइक समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूजुअली हैपेंस. सो दैट इज अनॉर्मली. लाइक दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग और एन इवेंट व्हिच इज इन लाइन विद द ट्रेंड. ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम. ठीक है. For some time now, we've been toying with the idea of transferring all our business from physical to online sales only. Considering careful showing launch. देखो, toying is like यहाँ पर भी तुम अगर पूरा sentence पढ़ोगे तो मुझे automatically समझ में आ जाएगा. Launch तो नहीं होगा, showing भी नहीं होगा, considering ही होना चाहिए. तो अगर हम question number 22 की बात करें तो इसमें पूछा है कि opposite in meaning वाला word बताना है, which means an antonym. तो इसके अंदर रिकॉन्सिल्ड वर्ड दे रखा है. जो रिकॉन्सिल्ड वर्ड होता है उसका मतलब होता है कोऑपरेट कर लेना, अग्री कर लेना, मान जाना किसी बात को लेके. तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा इस्ट्रेंज्ड. ऑप्शन 2 इसका मतलब होता है कि आप नहीं माने किसी चीज को लेके. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इस्ट्रेंज्ड मीन. तो ऑप्शन 2 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. शी वाज एबल टू गिव अ डैश एक्सप्लेनेशन इन द कोर्ट फॉर हर प्रेजेंस नियर द क्राइम सीन. देखो क्रेडिबल जो है इज रिलायबल. तो मुझे लगता है ए का 3 हो जाएगा क्योंकि क्रेडिबल इज समथिंग व्हिच ऑन व्हिच यू कैन प्लेस योर बिलीफ. तुम जिस पर ट्रस्ट कर सको या मानने जैसा कोई चीज. तो ए का 3 हो जाएगा. फिर जाते हैं द रॉकलैंड हॉस्पिटल डैश विद एम्स टू कंडक्ट अ फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप. तो कोलैबोरेटेड हो सकता है राइट. द रॉकलैंड हॉस्पिटल कोलैबोरेटेड. तो बी का जो है वो 1 हो जाएगा. ए का 3, बी का 1. ठीक है. सी ऑप्शन लग रहा है. देखते हैं आगे. दो शी हैज बीन शोन ओनली 4% इंप्रूवमेंट इन अचीविंग अ टारगेट येट हर एफर्ट्स आर आई थिंक क्रेडिटेबल हो सकता है. द डॉक्टर्स गिव द प्रोग्नोसिस बाय डैश देयर डायग्नोसिस विद सेवरल टेस्ट बाय कोरोबरेटिंग देयर डायग्नोसिस विद सेवरल टेस्ट. कोरोबरेटिंग का मतलब होता है कि बाय पॉन्डरिंग ओवर और बाय रिलेटिंग by doing a proper analysis. तो option जो D का है वो 2 हो जाएगा. D का 2 and then C का 4. Creditable कह सकते हो कि हाँ considerable. तो मतलब बाकी सारे words मैंने match कर लिए. Then this is how I matched option C with 4 क्योंकि इसका ज़्यादा मुझे idea नहीं है. तो जो A का है वो तो आपका हो जाएगा 3. B का हो जाएगा collaborated. तो B का 1, then C का 4 and D का 3. सॉरी डी का इज नॉट 3, डी का इज 2. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन. मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव फॉर द कॉन्सर्ट डैश बस विद बस फ्रॉम बस थ्रू बस बाय बस. ठीक है. बाय बस और बाय ट्रेन हम बहुत बार यूज करते हैं तो बाय ही होगा इसका. तो और जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे. Choose the word closest in meaning to the underlined word. Why did you make that flippant remark about the choice of clothes? फ्लिपेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल. अगर तुम्हें पता है तो ही तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था. तो आई थिंक तुम फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हो. बाकी कैजुअल डिफरेंट तो नहीं होना चाहिए. तो डिसरिस्पेक्टफुल इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अगर पता है तो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला था, नहीं तो यू शुडंट हैव गॉन फॉर दिस क्वेश्चन. सिलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड. ही शोड हिज डिसबिलीफ व्हेन इन्फॉर्म दैट हिज पार्टनर हैड बीन अरेस्टेड. ठीक है. शोड ऑपोजिट पूछा है. डिस्प्लेड कंसील्ड बैटल मार्क. कंसील मतलब छुपाना. तो ऑप्शन 2 ये होगा. फिर इन द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन. द प्रेजिडेंट फाइनली हैड टू डैश द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक फॉर हिज रेजिग्नेशन. एक्सीड टू मतलब तरीके से मानना पड़ा प्रेजिडेंट को. इग्नोर इनिशिएट नहीं हो सकता. इट विल बी ऑप्शन 3 ओनली. आगे बढ़ते. रियन द फॉलोइंग ऑफ अ सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है.
फॉर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड्स द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज विद होम दे डील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑन अ फेस टू फेस बेसिस राइट. तो ऑप्शन डी से चालू करो. डी देन सी आना चाहिए. बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है. ओके पर जो भी हो डी जो है डी और सी साथ में आने चाहिए. तो यही ऑप्शन हो रहा है. देखते हैं चलो. फॉर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑन अ फेस टू फेस बेसिस राइट. क्योंकि यहाँ पर कॉमा भी है मतलब कॉमा के बाद सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है. तो ए बी सी डी आई मीन सॉरी ए बी डी सी द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज विद होम दे फील डील इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ये जो कॉमा है ना वो भी इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद एक अलग जो है दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर करके एक सेंटेंस बनाया है. तो उस तरीके से भी तुम देख सकते हो. बट देखो ये तो समझ में आ ही रहा था हमें कि डी और सी साथ में आएंगे और इसी सीक्वेंस में आएंगे. पहले डी फिर सी. ठीक है वापस रीअरेंज करना है. एथिकल थियोरी एंड पोलिटिकल फिलोसफी एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू जस्टिस इज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी स्पेशली विद इंजंक्शन टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली. ठीक है आई थिंक जस्ट सी से स्टार्ट कर सकते हो. जस्टिस इज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू एथिकल थियोरी एंड पोलिटिकल फिलोसफी स्पेशली विद इंजंक्शन टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली. आई थिंक बी जो है वो एंड में एंड होना चाहिए. तो अगर हम ए से स्टार्ट करें एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू एथिकल थियोरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी जस्टिस इज एसोसिएटेड विद नोशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी स्पेशली विद इंजंक्शन टू ट्रीट इक्वल्स इक्वल. आई थिंक ऑप्शन फोर जो है वो सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है. तो ऑप्शन फोर शुड बी द करेक्ट आंसर. क्योंकि देखो ना मतलब एक तरीके से बहुत सारे इन्होंने क्लॉजेस दो क्लॉजेस हैं. आई थिंक थोड़ा इसको थोड़ा डिफिकल्ट था बाकी वाले में से. पर अगर तुम सोचोगे कि कौन सा सेंटेंस कौन सा पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड में आना चाहिए कौन सा पहले आना चाहिए तो उस हिसाब से तुम आराम से कर सकते हो. ठीक है फिर नो द जॉब एट द एंड ऑफ योर टेथर बी फुल ऑफ बीन्स वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई. तो इसका आपको जो मीनिंग्स हैं वो बताना है. ठीक है तो फील अनेबल टू डील विद समथिंग. ओके फील टेरेबली अशेम्ड एंड एम्बेरस्ड. आई थिंक डी का टू हो सकता है. डी का टू एंड देखो दो चीजें है डी में. डी या तो डी का थ्री होगा या फिर डी का टू होगा. आई थिंक डी का टू होना चाहिए. ठीक है और अगर मैं बात करूं ए का तो नो द जॉब इज डाइवर्ज सीक्रेट तो ए का थ्री हो जाएगा. फिर बी का एट द एंड ऑफ योर थिएटर फील अनेबल टू डील विद समथिंग या फिर बी फुल ऑफ एनर्जी. आई थिंक बी फुल ऑफ बीन्स बी फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए. तो सी का फोर हो जाएगा. तो ए का थ्री बी का आई थिंक राइट बी का जो है वो वन हो जाएगा. फील अनेबल टू डील विद समथिंग बी फुल ऑफ बीन्स बी फुल ऑफ एनर्जी देन वांट टू कॉल अप एंड डाई. तो बी का फील टेरिबली अशेम्ड एंड वास्ट ये सही होना चाहिए. आई थिंक ऑप्शन वन शुड बी द करेक्ट आंसर. चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से. 31 कह रहा है कि मैच करने हैं प्रेपोजिशंस. द एडिटेड वर्जन ऑफ आर्टिकल इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम हर फर्स्ट वर्जन होगा. ठीक है क्योंकि ये देखो ये बोलने में भी आ रहा है और बहुत ज्यादा ऑब्वियस है. इसके अंदर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. आई जस्ट डोंट फील एनी अफिनिटी डैश अफिनिटी के साथ विथ ही आता है. तो मेरे ख्याल से इसका अफिनिटी विथ होना चाहिए. और आइडियाज आर नॉट ऑल दैट डिसिमिलर डिसिमिलर टू माइन होगा इसका. इट वुड बी रॉन्ग टू मिस्टेक हिज डिफिडेंस डैश हिज एरोगेंस और कोल्डनेस फॉर हिज एरोगेंस और कोल्डनेस. मतलब डिफिडेंस को एरोगेंस से कोल्डनेस नहीं समझना चाहिए. तो इस हिसाब से ए का फोर हो जाएगा बी का वन हो जाएगा सी का जो है वो तुम्हारा टू हो जाएगा एंड डी का थ्री हो जाएगा. ठीक है आगे बढ़ते हैं. रीअरेंज द पार्ट. इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो. तो सब्जेक्ट होगा कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इक्लेक्टिक एंड यूनिक टीचिंग मेथड दैट एनहांसेस क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद टूल्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग. तो बी डी सी ए. ठीक है ऑप्शन टू शुड द करेक्ट आंसर हियर इन. द रीजन बीइंग कि देखो एन के जो एन है वो आर्टिकल जो है वो उसके बाद एक वोवल ही आएगा. ठीक है कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता. इसलिए भी तुम बी और डी को समझ सकते हो कि क्यों ये आपस में सीक्वेंस में प्लेस्ड है. आगे बढ़ते हैं. ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले हम जो है क्वेश्चंस पढ़ेंगे. इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है.
इसके अगेन अगेन इधर भी करेक्ट ऑप्शन ही चूज करना है। उसके बाद नॉट ट्रू, प्रेमचंद बिकेम टू लार्ज फॉर हर टू अंडरस्टैंड मेनली बिकॉज ऑफ इनहेल्ड इज राइटिंग का क्या रेफरेंस है, क्या मतलब है उसका, और यूबिक्विटी का क्या मतलब है। यूबिक्विटी अगर तुम्हें जनरली पता है जैसे मुझे पता है तो यूबिक्विटी को वैसे भी मार्क कर सकते हो। ओमनी प्रेजेंस होता है इसका मतलब, यूनिवर्सल होना, हर जगह प्रेजेंट होना, दैट इज यूबिक्विटी। यूबिक्विशियस वर्ड अगर सुना हो कि वॉट इज यूबिक्विशियस, तो इस हिसाब से भी समझ सकते हो। इसका जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। व्हेन आई वाज इन माय लेट टीन्स एंड स्टिल डिसाइडेड अबाउट व्हिच लैंग्वेज आई शुड राइट इन, ही टोल्ड मी दैट द लैंग्वेज वन इज बोर्न इनटू, वन्स मदर टंग कैन बी द ओनली पॉसिबल मीडियम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ माय फादर श्रीपत राय हैड बीन अ हिंदी and critic. Off and on he translated writings into English from Hindi. He was fond of saying that a failed writer becomes a critic. The weight of his literary expectation came eventually to rest on me. He seemed happy that I was showing an inclination for writing. She will go far, he told my mother after reading the first story that I sent him from Melbourne. My father's pronouncement on the mother tongue stayed with me when I later started writing fiction in Hindi. Another thing that I barely acknowledged even to myself was that I felt something like shame whenever I thought of writing in English. It seemed wrong for a granddaughter of Premchand even to be thinking so. Our family had a certain linguistic pride and knew that Premchand was famous, but I had not at the time realized the extent of his popularity. The fact that I was the granddaughter of Premchand followed me everywhere. Everyone had a story to tell me about their personal engagement with his fiction, the shopkeeper, the long time cook in my father's daily house, a tea vendor, etc. The list was long, for there was practically no one who had not read something by him that had moved them. However, it was this very ubiquity, the reverence and love that he inspired in people that made him something too large for me to comprehend in the early years of my life. It led to the strange feeling that without having read him and just by being related to him, I had somehow inhaled his writing. The reading happened much later. ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 33rd जो है क्वेश्चन, इसके अंदर पूछ रहा है कि इनमें से क्या चीज, कौन सा पार्ट है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। ठीक है, द ऑथर ग्रू अप विद एक्सपेक्टेशन दैट शी वुड टेक अप एडिटरशिप ऑफ अ मैगजीन, ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी पीसेस, क्रिएटिव राइटिंग, द जॉब फॉर क्रिटिक। तो क्रिएटिव राइटिंग होगा, ये जो बाकी सारी चीजें हैं वो इनके फादर करते थे, तो ही वॉन्टेड हर टू टेक अप क्रिएटिव राइटिंग। देन व्हेन हर फादर सेड शी विल गो फार, ही मेंट that she will travel widely, she will achieve great heights in life, she will go too far one of these days, she will settle in a far off place. Iska hoga, she will achieve great heights in life, ek metaphorical of course iska ek implication hai instead of a literal implication. Fir aa jata hai choose a statement which is not true with respect to the passage. The author felt pressurized to write in Hindi because of her father. No, I don't think like matlab keh sakte ho in a way कह सकते हैं, अभी हम इसको भी कंप्लीटली नॉट ट्रू नहीं बोलेंगे। शी फेल्ट ऑब्लिगेटेड टू कैरी ऑन अ लेगेसी ऑफ प्रेमचंद, यस आई फील शी फेल्ट दैट वे, बट फैमिली वाज शोविनिस्टिक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, नो डेफिनेटली नॉट, शी वाज इन ऑ ऑफ द एक्सटेंसिव रीच ऑफ हर फादर्स राइटिंग्स, यस शी वाज। ऑप्शन थ्री जो है वो एक्सट्रीमली मतलब इनकरेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रेमचंद बिकेम टू लार्ज फॉर हर टू अंडरस्टैंड मेनली बिकॉज ऑफ हिज अबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, राइट। उसने कहा है कि वो क्योंकि सब उनसे रिलेट कर पाते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, और डिफिकल्ट हो रहा था उनको कॉम्प्रिहेंड करने में, स्पेशली इन अर्ली ईयर्स ऑफ हर लाइफ। इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बोला भी है, यस राइट, दैट मेड ऑफ हिम समथिंग टू लार्ज फॉर मी टू कॉम्प्रिहेंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते, ये हो गया हमारा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, 36 पे। प्रेमचंद बिकेम टू लार्ज फॉर हर टू अंडरस्टैंड, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। एक तो द फैक्ट दैट शी फियर्ड हिम, द काइंड ऑफ लव एंड रेवरेंस दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल, यस। हर कॉन्स्टेंट एंजाइटी ऑफ फेलिंग हिम, नहीं बी और डी नहीं होगा, इट वुड बी ए एंड सी ओनली। Inhaled his writing का मतलब है imbibing his self subconsciously, being compelled to write like him, being influenced by what people said about him, her father's expectation from her. Yes, imbibing his style subconsciously, उसी मतलब अगर ये नहीं भी दिया होता ना पैसेज, तो भी इस सेंस में ही निकल रहा है कि inhaled his writing मतलब हर छोटे छोटे nuances उन्होंने अपनी writing में adopt कर लिए। तो I think option one जो है वो correct होगा answer.
अब आ जाते हैं, एक और पैसेज दे रखा है, तो पहले इसका वो पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चंस। तो ऑथर आर्ग्यू दैट ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल, इसके अंदर भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कार्मिक इम्प्रिंट का क्या मीनिंग है, फ्री विल कब एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। तो द ऑथर प्रूव्स दैट द आइडिया ऑफ फ्री विल इज मिथ बाय सजेस्टिंग दैट, ठीक है। व्हाट डज द ऑथर प्रपोज एज मीन्स टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ वंस एजेंसी। व्हाट डू यू थिंक कुड बी अ मोर सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब पैसेज को रीड करते हैं। फ्री विल इज अबिलिटी टू डिसाइड एंड एक्ट फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट इवेंट्स और एनवायरनमेंट। इट इंप्लाइज कंप्लीट फ्रीडम टू मेक एनी चॉइस एब्सोल्युटली। वी क्लियरली डोंट हैव फ्री विल। आवर डिसीजंस एंड एक्शंस आर नेवर डाइवोर्स्ड फ्रॉम आवर पास्ट। वी हैव कंडीशनड माइंड, आवर मेमोरीज, पास्ट इंप्रेशंस एंड एक्सपीरियंसेस बायस एंड शेप आवर थॉट्स एंड एक्शंस इन द प्रेजेंट। इट इज आवर कार्मिक इम्प्रिंट, नॉट जस्ट व्हाट वी आर बॉर्न विद बट ऑल्सो व्हाट वी अक्यूमुलेट व्हाइल लिविंग। वी कैन कंसिडर इट एज अ रिजल्ट ऑफ आवर जेनेटिक कोड, अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट। इट्स आवर बैक स्टोरी। The only way to experience free will is to act, get rid of all such conditioning, to neutralize our karmic imprint, to be independent of our psychological coding. That's possible only if we can purify our mind by letting go all our ego attachments and fixed beliefs. Then we can reside in the truth of our being. आगे बढ़ते हैं। द अबव इज एन एग्जैक्टिंग डेफिनेशन ऑफ फ्री विल। व्हाट वी कॉमनली मीन बाय फ्री विल इज दैट वी हैव चॉइस इन मोस्ट सिचुएशंस, लाइक यू चूज टू मैरी, व्हाट प्रोफेशन यू परस्यू, और हाउ यू रिएक्ट टू समवनस अग्रेशन। साउंड्स रीजनेबल, बट हियर इज द कैच। आवर एबिलिटी टू मेक दैट चॉइस टू सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्टेड, डिक्टेटेड बाय आवर प्रीडिस्पोजिशंस। दिस अप्लाइज इवन टू आवर एबिलिटी टू ब्रिंग अवर चेंज विद इन आवरसेल्व्स, डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व टू बी कामर, काइंडर, लेस एंक्शियस। योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट दैट चेंज डिपेंड्स पार्टली ऑन इमोशनल एंड मेंटल वायरिंग। दैट्स व्हाई सम पीपल सक्सीड इन सच एफर्ट्स मोर देन द अदर्स। इफ यू विश टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ योर एजेंसी, एक्सप्लोर वेज टू एंगेज इन सस्टेन इन योर वर्क, डीपन योर सेल्फ अवेयरनेस, एग्जामिन एंड रिफॉर्म योर कंडीशन बिलीव्स। बट देन आई वंडर इफ योर इंक्लिनेशन टू एम्बार्क ऑन दैट जर्नी टू डिपेंड्स ऑन करंट कार्मिक कोडिंग, ठीक है। तो फ्री विल पे दिए रखा है, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ अ पैसेज है। फिर भी देखते हैं इसके क्वेश्चंस, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लैंग्वेज तो इन्होंने इजी ही दी है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। और देखते हैं क्वेश्चंस। द ऑर्डर आर्ग्यूज दैट ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल बिकॉज, फ्री विल क्यों नहीं होती है ह्यूमंस के, बिकॉज आवर डिसीजंस आर शेप्ड बाय पास्ट इवेंट्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, राइट। ये करेक्ट है। We are born with predetermined choices that we are forced to make. Nahi, we are always dictated by our mind to make irrational decisions. No, irrational, it's not right word to use in this context. Human beings are born slaves, social constructs and expectations. No, option one hi correct hoga. In fact, agar main tumhe reference batau, the first line jo hai wo hi keh rahi hai. Free from any influence of past events or environment. To iska jo correct answer ho jayega, wo ho jayega option one. Fir pooch rahe hain karmic imprint ka kya meaning hai. The ability to bring about change in oneself, our genetic code, upbringing, environment, right? The truth of our being, our individuality, the wrongdoings and vices of our past lives. नहीं, कामिक इम्प्रिंट जैसे कर्मा वगैरह होता है उससे भी तुम रिलेट करके समझ सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। फ्री विल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इफ वी एम्ब्रेस द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड कंडीशनिंग। नो, हाउ वी शुड नॉट एम्ब्रेस। डोंट थिंक पास्ट एक्सपीरियंसेस को तुमने लेट गो करने को कहा है, तो इम्ब्रेस तो नहीं करना चाहिए। वी मेक चॉइसेस विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, नहीं, वी लेट गो ऑफ आवर ईगो अटैचमेंट्स एंड फिक्स्ड बिलीव्स। ऑप्शन थ्री जो है वो करेक्ट होगा। वी अक्यूमुलेट मोर एंड मोर कार्मिक इम्प्रिंट्स। नो, तो फोर्थ भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ऑथर प्रूव्स दैट द आइडिया ऑफ फ्री विल इज मिथ बाय सजेस्टिंग दैट आवर एबिलिटी टू मेक अ चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय आवर प्रीडिस्पोजिशंस। वी आर अनेबल टू ब्रिंग अ चेंज इन आवरसेल्व्स। आवर चॉइसेस आर सोली गाइडेड बाय द करंट एनवायरनमेंट। आवर चॉइसेस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ अ पास्ट इवेंट्स एंड आवर जेनेटिक कोड। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ऑप्शन वन जो है वो मोस्ट सूटेबल है। ये वाला भी इस पॉइंट पर आई डोंट थिंक रेलिवेंट है। और ये जो ऑप्शन थ्री है वो मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है। तो आई थिंक ऑप्शन वन शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द ऑथर propose as a means to expand the scope of one's agency, making choices frequently and impulsively, nahi, engaging, sustaining inner work and self-awareness, right, holding on to fixed beliefs, bilkul bhi nahi, ignoring one's past experiences and dispositions, dekho, ignore to karna hi hai, but I think expand karne ke liye, to you have to engage in sustaining inner work, or I think ye bahut explicitly bhi diya hi hai passage mein, yes, If you wish to expand the scope of your agent, जो कुछ वेज दे रखे हैं वो है सस्टेन इन वर्क, डीपन योर सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू। आगे बढ़ते हैं।
सुटेबल टाइटल बताना है पैसेज के लिए, डेफिनेशन ऑफ फ्री विल और बैक स्टोरी की टू सक्सेसफुल लाइफ, टू ह्यूमन बींग्स रियली हैव फ्री विल, मेकिंग चॉइसेस एवरी मैन्स प्रेरोगेटिव। तो ऑप्शन जो थ्री है आई थिंक दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। और हमेशा तुम्हें टाइटल जो है एक बहुत अम्ब्रेला टर्म ही लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ बींग वेरी नैरो, जैसे डेफिनेशन ऑफ फ्री विल है एक बहुत ही नैरो चीज हो जाएगी, तो टाइटल हमेशा ब्रॉड होना चाहिए। तो ऑप्शन थ्री शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे बढ़ते, फिर एक पैसेज है, कोकोस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द एस्टेक पीपल मेड देयर ओन कोकोआ पैलेटेबल बाय, व्हाई डिड हॉट चॉकलेट बिकम द बेवरेज ऑफ द एरिस्टोक्रेसी इन यूरोप, द चॉकलेट हाउसेस डिडंट सर्वाइव पास्ट द 18th सेंचुरी एज, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट फॉलोइंग, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन व्हिच इज स्पॉट ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। On a chilly winter evening, nothing warms you up better than a cup of hot cocoa. Chocolate was first consumed in liquid form by the Olmec people of northwestern Central America around 1500 BCE. It was even enjoyed by the Aztec emperor Montezuma, and the Aztec word for it is evolved into the English word chocolate. But the Aztecs didn't serve their cocoa hot, and since sugar had not yet arrived from Europe back then, the drink was often flavored with peppers and spices. It may not have been quite as indulgent as today's version, but it was more palatable if you believed, as the Aztecs did, the chocolate was a gift from the gods and had healing properties. After the Spanish arrived in the Americas in the 1500s, liquid chocolate made its way across the pond where the wealthy Europeans added sugar and wrapped it warm. In Chocolate History, Culture and Heritage, author Bertram Gordon says hot chocolate became the beverage of the aristocracy as sugar was still a luxury. Soon enough, though, no hot chocolate caught on it caught on with the masses. Same line jo hai, wo question mein given hai. Chocolate houses crossed between cafes and casinos started popping up around 17th century Europe. In these lively places, hot chocolate was poured from gilded pots into the elegant cups for a posh experience. One can still find it today at the famed Parisian Tea Room Angelina's, which is also in New York City. Sab faltu ki baatein sab nahi padni hoti hai. ठीक है, बट बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी चॉकलेट हाउसेस हैड मोस्टली डाइड ऑफ। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस पे क्वेश्चन है। Because the cost of chocolate was much higher than that of coffee or tea. Taking a tour of international cups of cocoa, Italians serve it like a thick pudding. Colombians serve as it with a dollop of soft cheese, while Mexican touch it up with vanilla, chili powder, and cinnamon. And Filipinos serve it with mango chunks. Okay, आगे बढ़ते हैं। Cocoa was first introduced by the ठीक है, कोकोआ को किसने इंट्रोड्यूस करा? तो इसके अंदर लिखा है, चॉकलेट वाज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन लिक्विड फॉर्म बाय द ओल्मेक पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल अमेरिका। ओल्मेक पीपल जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द एस्टेक पीपल मेड देयर ओन कोकोआ पैलेटेबल बाय, जो इन्होंने अपने कोकोआ को पैलेटेबल कैसे करा? इट मे नॉट हैव बीन क्वाइट एज इंडल्जेंट एज टुडेज वर्जन, बट इट वाज मोर पैलेटेबल इफ यू बिलीव्ड एज द Aztecs did that chocolate was a gift from the gods and had healing property. वो more palatable तब बन रहा था जब Aztecs ने बिलीव करा कि जो कोकोआ है वो गॉड से गिफ्ट है और इसके अंदर कोई टाइप की हीलिंग प्रॉपर्टीज है। तो सर्विंग इट कोल्ड, एडिंग शुगर टू द ड्रिंक, स्पाइकिंग इट विद स्पाइसेस, ड्रिंकिंग इट एज अ मेडिसिन। मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लिखा है हीलिंग प्रॉपर्टीज एंड आई थिंक वो डायरेक्ट रेफरेंस दे रहा है मेडिसिन को। स्पाइकिंग इट विद स्पाइसेस नहीं है, क्योंकि पैलेटेबल को इसी सेंस में यूज करा गया है। ठीक है, व्हाई डिड हॉट चॉकलेट बिकेम द बेवरेज ऑफ द एरिस्टोक्रेसी इन यूरोप, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट वाज आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमनर्स, द क्वीन हैड अ मार्क्ड चॉकलेट मेकर, ओनली वेल्दी यूरोपियंस कुड बाय इट, इट वाज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द फार्मा कंपनीज। वो जो ऑप्शन वन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि एसेंशियल इंग्रेडिएंट यहाँ पर शुगर की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चॉकलेट houses didn't survive past the 18th century. ये मैंने मार्क भी करा था यहाँ पर। हाँ, chocolate houses had mostly died off partly because the cost of chocolate was much higher than that of coffee or tea. ठीक है, तो कॉफी और टी की जो प्राइस है उससे कई ज्यादा था, तो चॉकलेट वॉज कॉस्टलियर देन टी और कॉफी। ऑप्शन थ्री शुड बी द करेक्ट आंसर। 49 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इटालियन सर्व हॉट चॉकलेट फ्लेवर्ड विद स्पाइसेस, मैक्सिकन सर्व हॉट चॉकलेट टॉप विद डॉलप ऑफ क्रीम,
कोलंबियन सर्व हॉट चॉकलेट टॉप्ड विद अ डॉलप ऑफ चीज, फिलिपिनो सर्व हॉट चॉकलेट फ्लेवर्ड विद पेपर्स। तो एक बार इसको हम लास्ट पैराग्राफ में चेक कर लेते हैं। इस तो जो कोलंबियंस वाला पॉइंट है ना वो करेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 3। ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन वॉज रेडिली अवेलेबल इन कैफेज। कॉट ऑन का क्या मतलब है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में? वॉज रेडिली अवेलेबल इन कैफेज, बिकेम पॉपुलर अमंग द कॉमनर्स, हॉट चॉकलेट डिड नॉट अपील टू पीपल, मासेस गॉट अट्रैक्टेड टू द रिच एक्सपीरियंस ऑफ ड्रिंकिंग हॉट चॉकलेट। देखो मासेस के बीच में ये फेमस तो हो गया था, ठीक है, ये तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में मैं पर्टिकुलरली कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बिकेम पॉपुलर अमंग द कॉमनर्स भी राइट होना चाहिए, और मासेस गॉट अट्रैक्टेड टू द रिच एक्सपीरियंस ऑफ ड्रिंकिंग हॉट चॉकलेट। आई थिंक ये भी अच्छा है, अट्रैक्टेड वर्ड यूज जो इन्होंने करा है वो भी काफी सही तरीके से करा है। आई थिंक ऑप्शन जो 4 है वो मोर इलेबरेटिव है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, सिर्फ इसी बेसिस पे मैं ऑप्शन 4 सिलेक्ट कर रही हूँ। ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो सकता है, दोनों करेक्ट हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ देती अगर मैंने मुझे अटेम्प्ट मेरे पास चॉइस होती 10 क्वेश्चन छोड़ने की। तो कंप्लीटेड द एंटायर पेपर, ठीक है। ये सारे आंसर्स मैं पहले बता चुकी हूँ, जो मुझे सही लगते हैं उस हिसाब से मैंने करे हैं, ठीक है। और बताना कि तुम लोगों का कितना स्कोर बन रहा है ये रफ एनालिसिस करके, ताकि तुम्हें भी आइडिया आए कि तुम्हारा कितना एग्रीगेट बनेगा, तुम्हारे पास क्या क्या चांसेस हैं, तुम थोड़ा प्लान कर पाओ उस हिसाब से, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। और अपने जो भी थॉट्स, व्यूज, ओपिनियंस है वो कमेंट सेक्शन में डालना, और डेफिनेटली जो स्कोर है वो बिल्कुल मत डालना भूलना। मुझे भी समझ में आया कि भाई तुम लोग, तुम्हें डेफिनेटली कुछ भी तरीके से हेल्प हुई है मेरे वीडियो से, नहीं हुई है, क्या सीन रहा है और कैसे गए तुम्हारे पेपर्स, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।